इस चैनल पर आपको रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिर्दोनवा में मुनासिब कीमत के घर दिखाए जाएंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको एक फ़्लैट दिखाया जाएगा जो वलायत कम्प्लेक्स में मौजूद है और बैरिया टाउन फेज 7 से मुंसलिक होता है, जबकि ये रावलपिंडी में शामिल होता है। वीडियो मुकम्मल देखा करें क्योंकि अहम सवालात के जवाब इस वीडियो में ही फ्राहम किए जाएंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको इस एरिया और फ्लैट का विज़िट करवाते हैं। जी तो ये अभी आउटसाइड लुक दिखा रहा हूँ मैं, जो कि ये सामने फ्रंट एलिवेशन है, एक वाइड स्ट्रीट है और थर्ड फ्लोर पे फ्लैट है। जी लास्ट फ्लोर पे फ्लैट है वो जो आज आपको दिखाया जाएगा। बहरिया टाउन फेज़ 7 का ये एरिया है और पिन लोकेशन की बात करूँ तो वलायत कम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आसपास मार्केट्स बनी हुई हैं, तर्ज ज़िंदगी के तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं यहाँ पर। ज्वेलरी शॉप बनी हुई है, जनरल स्टोर्स हैं यहाँ पर और क्लॉथ शॉप भी आप देख सकते हैं। तो बड़ा बेहतरीन ये एरिया है और काफ़ी एक्सपेंसिव यहाँ पर जो आप प्लॉट ख़रीदेंगे या घर ख़रीदेंगे वो आपको यहाँ पर अवेल होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और फ्लैट की जानब जाएंगे। जी तो हम उस बिल्डिंग में आ चुके हैं जहाँ पर ये फ्लैट मौजूद है, हमें थर्ड फ्लोर तक जाना है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर आप कह सकते हैं, या अपस्टेयर्स ऊपर की जानब जाती हैं और साथ स्टील रीलिंग लगी हुई है जो कि एक बेहतरीन सपोर्ट है। अगर आप अनबैलेंस हो भी जाते हैं तो ये आपको प्रोटेक्ट करती है, आप इसकी सपोर्ट ले सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये थर्ड फ्लोर पे मौजूद है जो कि लास्ट फ्लोर है इसका, और ये जो फ्लैट है इसके साथ सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद है। बहुत सारे लोगों का ये इसरार होता है कि आप जो लोकेशन है उसका व्यू भी दिखाया करें, आप डायरेक्ट घर या प्लॉट की वीडियो दिखाते हैं। तो इस वीडियो का स्टार्ट हमने इस एरिया को दिखाते हुए किया कि बाहर मार्केट्स भी मौजूद हैं और तर्ज़ ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। अगर चाहते तो डायरेक्ट भी फ्लैट की वीडियो दिखाई जा सकती थी, लेकिन ये आप व्यूवर्स का इसरार होता है जिसकी वजह से ऐसी वीडियो भी हमें ज़ेरे गौर रखनी पड़ती हैं। जी तो अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो फ्लैट मौजूद है, सामने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और फ्लैट्स भी बने हुए हैं। मार्बल वर्क है और जो फ्लैट है उसके साथ एक सर्वेंट क्वार्टर भी है, पहले आपको वो दिखाएंगे। ये जहाँ पर ये लोग इंटर हो रहे हैं ये फ्लैट है और इसके साथ सर्वेंट क्वार्टर है, पहले वो आपको दिखा देते हैं। जी तो ये सर्वेंट क्वार्टर बनाया गया है, इसमें बाथ है और आगे ये रूम है जहाँ पर रहाइश दी जा सकती है, और इसके साथ ये फ्लैट है। जी 1950 स्क्वायर फीट पे ये फ्लैट है। आपको मोस्टली मरला के हिसाब से बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको बता रहे हैं 1950 स्क्वायर फीट। अगर शॉर्ट में कहें तो 1950 भी कहा जा सकता है, लेकिन वो मोस्टली प्लॉट साइज़ में चला जाता है। जी तो हम अंदर आ चुके हैं, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है जिसमें बेहतरीन सीलिंग है, अटैच बाथ है और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी बनाई गई है,
और बाथ के सामने कबर्ड्स को बनाया गया है, वहाँ पर आप क्लॉथ जो हैं उन्हें आप स्टोर कर सकते हैं। और ये इनसाइड व्यू है, वॉश बेसन मौजूद है, कमोड लगा हुआ है, शावर भी आप ले सकते हैं और बेहतरीन सॉलिड वुड के बने हुए डोर लगाए गए हैं। अब इसके बाद आपको सेकंड बेडरूम दिखाते हैं, सामने भी एक रूम है जी, तो इसमें भी बेहतरीन सीलिंग है और जो वॉल हैं उनको वॉलपेपर से कवर्ड किया गया है, कुछ रूम्स में आपको दिखाया गया। और इसमें भी अटैच बाथ है और सामने कबर्ड्स बनी है, विंडो मौजूद है और इसमें ये कमोड लगा हुआ है, वॉश बेसिन मौजूद है, यानी कि सेम टू सेम इसके बाथ हैं। और इसमें एक स्टोर भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये थर्ड रूम है इसका, ये देख सकते हैं थर्ड रूम में, इसमें इस तरफ कबर्ड्स हैं और इस तरफ विंडो है वेंटिलेशन के लिए। इसमें भी अटैच बाथ है, सामने कबर्ड्स बनी हुई हैं, आप यहाँ पर कपड़े रख सकते हैं, सामान स्टोर कर सकते हैं। और ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए, अगर आप इसे ओपन करके बाहर जाना चाहें तो बालकनी भी बनी हुई है जी। तो स्टोर का आपको बताया था, वो भी आप देख सकते हैं इसके बाहर, ये इस तरफ ये स्टोर बना हुआ है जी, ये एक स्मॉल सा स्टोर बना हुआ है, यहाँ पर आप सामान स्टोर कर सकते हैं। और इसके साथ ये किचन बनाया गया है जी, तो ये किचन है, इसमें किचन कैबिनेट मौजूद है जिसमें आप किचन का सामान स्टोर कर सकते हैं। इधर सिंक लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर किचन कैबिनेट देखने को मिलती हैं। और मार्बल वर्क किया गया है, फ्लोरिंग वर्क की बात करें तो ये शीट लगाई गई है इसके ऊपर। और ये इस तरफ विंडो है, ये ड्राइंग रूम है जी हाँ, ये ड्राइंग रूम है जो लास्ट में आपको दिखा रहे हैं। और इसमें तीन रूम्स हैं और एक ड्राइंग रूम है ये जो आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा स्टोर भी मौजूद है, किचन भी मौजूद है और तर्ज़ ज़िंदगी के तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं, बिजली पानी। और सुई गैस की बात करें तो सिलेंडर सिस्टम है यहाँ पर। और इसकी रेंटल वैल्यू की बात करें तो 55,000 है। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से आपको इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन फ्राहम करते हैं। ये एक सिंगल फ्लैट है जिसके साथ एक सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद है। इस फ्लैट में तीन रूम्स हैं जिनकी डायमेंशन 12x14 है, चार बाथरूम हैं। और ये फ्लैट 1950 स्क्वायर फिट यानी 1950 स्क्वायर फिट पे मबनी है। इसमें एक किचन है, एक ड्राइंग रूम है, बिजली और पानी की सहूलत मैसर है, सुई गैस की बात करें तो सिलेंडर सिस्टम है। और इस फ्लैट की रेंटल वैल्यू 55,000 रुपये है और इस फ्लैट की डिमांड 98 लाख रुपये है जी हाँ, 98 लाख रुपये इस फ्लैट की डिमांड है। एड्रेस वलैद कम्प्लेक्स, बैरिया टाउन, फेज 7, रावलपिंडी। अगर आप भी कोई घर या प्लाट ख़रीदना चाहें या सेल करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पिन किए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर लें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मौसूल हो।